अब अपने इस पे डालेंगे कुछ फ्रेश हरी धनिया। तो ये बस फास्ट में खाने के लिए अपनी बढ़िया सी आलू की सूखी भाजी, जिसको मैंने फलाहार में खा सके वैसे ही मसाले डाल के बनाया है। एकदम सिंपल बट टेस्टी और हेल्दी आलू की सूखी भाजी बन के रेडी है। तो ये आज फास्ट है, सावन का सोमवार, फास्ट में खाने के लिए मैंने ये भाजी बनाई है। तो यम्मी टेस्टी अपनी आलू की सूखी भाजी बन के रेडी है। बस इसको अब एंजॉय किया जाए, देर किस बात की, तो एंजॉय करते हैं। अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सूखी भाजी, जो अपने फलाहार में खा सकते हैं, जिसके लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, छील के ऐसे टुकड़े में काट लिया है। और ये जबकि आज सावन का सोमवार है, तो मैं फलाहार के लिए बना रही हूँ। तो इसमें अभी डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, और हाफ टी स्पून काली मिर्च है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च है, और ये है हरी मिर्च, करी पत्ता, और ये है फ्रेश धनिया, और ये है सिंधाव नमक, जो उपवास में खाते हैं वो वाला। और ये मैंने कढ़ाही में तेल चढ़ा दिया है, तो ये है अपना तेल और तड़के के लिए। और अब इसमें ये डालेंगे 1 टेबल स्पून घी, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये गया अपना घी, और अब अपने डाल देते हैं ये जीरा, और बढ़िया सा जीरा फूटने देते हैं। जीरा के क्रैकल होते ही ये अपने मिर्ची करी पत्ता सब डाल देंगे, मैंने कुछ बड़ी भी रखी है मिर्ची। तो ये गई अपनी मिर्ची और करी पत्ता, साथ में तुरंत डाल देंगे ये मिर्ची और काली मिर्च, और इसके तुरंत बाद डाल देते हैं ये उबले हुए आलू, और इसी के साथ अपने डाल देते हैं ये सिंधव नमक। ये गया अपना नमक, नमक स्वादानुसार, नमक जब भी खाएँ तब उठाए। और इसके बाद इसको अपने आँच आँच करके मिक्स कर देते हैं। अगर आप इसमें लाल मिर्च नहीं डालना चाहो, नहीं खाते हो उपवास में, तो मत डालो। हरी धनिया भी ऐसा ही है, कई लोग खाते हैं उपवास में, कई लोग नहीं खाते हैं, तो आपके चॉइस पे है, आपके घर में कैसे चलता है वो। तो ये बढ़िया सा अपना आलू मिक्स कर लिया है। अब इसको 4-5 मिनट होने देते हैं, और अपने इसको खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए बढ़िया सा नीचे से हल्का सा ब्राउन हो गया है, मेरे को तो इस तरह से आलू अच्छे लगते हैं ज़्यादा। ये अपनी सूखी भाजी बन के रेडी है, इस पर डाल देते हैं फ्रेश कोरिएंडर बढ़िया से, ये गए अपने धनिया, और अब इसको चला के बंद कर देते हैं। तो ये अपनी आलू की सूखी भाजी मिनटों में बन के रेडी हो गई है, ये हो गई है रेडी टू सर्व। उपवास में खाने के लिए आज सावन का सोमवार है, तो इसमें खाने के लिए मैंने बनाई है आलू की सूखी भाजी फराली, जो फलाहार में खा सकते हैं वैसी। और ये है रामदाने का आटा या राजगरे का आटा, तो उसका बनाया है हलवा घी से लत पर, ड्राई फ्रूट से भरा हुआ, तो जो आपको उपवास में एनर्जी देगा। तो ये बढ़िया सा अपना आलू की सूखी भाजी और रामदाने के आटे का हलवा बन के रेडी है। तो बस इसको एंजॉय करते हैं, तो रेडी है अपना खाने के लिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए
प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।